ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि माइकल को फ्रैंकलिन से एक बहुत ही मस्त और जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आई है। मतलब कि फ्रैंकलिन ने ऐसे बताया कि यार एक जगह है, वहां पर एक कोई ना सेलिब्रिटी आया हुआ है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है। तो उसकी जो लैम्बोर्गिनी है उसने वहां की स्टाफ पार्किंग में पार्क कर रखी है। अब वो जो लैम्बोर्गिनी है कोई छोटी मोटी लैम्बोर्गिनी है, मतलब कि एक अलग ही मॉडल है। चलकर देखते हैं भाई क्या है। वैसे उसे चुराना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो माइकल अपनी पूरी कोशिश करेगा। मतलब यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां पर सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि यार वो भी एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। मतलब क्या, अगर हम उसकी कार चुराएंगे तो यार मतलब समझ ही जाओ कितना बड़ा पंगा होने वाला है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं, यहां से निकलते हैं। और अब मेरे पीछे KTM खड़ी हुई है। लास्ट एपिसोड जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि यार मैं अपनी KTM लेकर घूम रहा हूं। तो ये देखो मेरी KTM यहां पर खड़ी हुई है। अब इस KTM को लेकर चलेंगे सबसे पहले एम्यूनेशन की शॉप पर, वहां से कुछ पिस्टल्स वगैरह खरीदेंगे। पिस्टल तो फिलहाल मेरे पे है, ये देखो पिस्टल मेरे पे पड़ी है। लेकिन यार ओके, ये तो गाली दिख रहा है। ओके, मेरी पिस्टल कहां चली गई? ओके, तो मेरे पास एक ना अभी फिलहाल पिस्टल पड़ी है, बट मेरे को ना कोई अच्छी गन खरीदनी पड़ेगी, ताकि वहां पर चलकर अगर कोई पुलिस वगैरह आ जाए चार पांच, तो हम उसे देख ले, निपटा दें। तो फिलहाल अभी अपनी KTM लेकर चलते हैं। और आपको दिखाया था मैंने, ये देखो। ओके भाई, मेरे को बड़ा तगड़ा लगता है ये। तो ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी दिखाया था कि KTM हमने कितना तगड़े तरीके से मॉडिफिकेशन करवाई है। तो यहाँ पर अपनी KTM के, और ये लास्ट टाइम मैंने ये मॉडिफिकेशन करवाई थी, आप नंबर प्लेट देख पा रहे हो। नंबर प्लेट मतलब देखो, उज्जवल लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे। तो अभी इस KTM को लेकर चलते हैं सबसे पहले एम्यूनेशन की शॉप पर। अब जहां पर वो बंदा है उसकी लोकेशन हमें फ्रैंकलिन ने दिया, जहां पर KTM से बहुत मजा आ रहा है। इंडियन बाइक जिस चीज का मुझे ध्यान रखना था वही चीज मैंने अभी शुरू में अपनी हेल्प कम करवा ली। और भाई पुलिस वाले मारेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। वाईफाई जैसी जगह हमें यहाँ वाले कट से लेफ्ट लेना है, ये जगह आ चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कुछ अलग ही भाई साहब, ये कोई तगड़ी जगह लग रही है मेरे। मैं जा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी चुराने, और यहाँ KTM नहीं चल रही है, एरिया ये कम हो गई है। तो अभी ऊपर जिस चीज का ध्यान रखना था वही चीज मैंने शुरू में अपनी हेल्प कम करवा ली है। भाई पुलिस वाले मारेंगे तो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। भाई क्या जगह है? तो फिलहाल अभी हमें यहाँ वाले पर लेफ्ट लेना है, और ये जगह आ चुके हैं। तो भैया गेट बंद है फटाफट। विद बॉल है और ऊपर कुछ अलग ही डिस्प्ले लगी हुई है, BBQ स्पेस फ्लाइट ओपन। भाई वैसे कोई तगड़ी जगह लग रही है मेरे को, यहाँ से मैं अंदर नहीं आ सकता। जो महंगे एरिया होते हैं ना थोड़े, उस टाइप का एरिया है। भाई बंदा HP देखो मेरी क्या कर रही है। यहाँ पर हमें कुछ अलग ही नजारे देखने को मिले। शिट मैन भाई, क्या गलत ही बंदा मार रहा है। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है भाई, क्या जगह है फिलहाल। यहाँ पर पीछे से कोई रास्ता यहाँ से चलते हैं, जहाँ पर मुझे जाना है। गेट खोल के फटाफट थोड़ा सा रुक कर चलेंगे, क्योंकि यार हमारे पीछे ले रहा है पुलिस से पड़ चुकी है। और ये कैसी जगह है भाई मेरी? वैसे अच्छा, जो सेलिब्रिटी है वो शायद यही स्टे कर रहा है। पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। क्या मार रहा भाई ये बंदा? HP देखो मेरी, अजीब सी जगह शायद यहाँ पर शो होता है। ओ भाई वो लगी देखो, सारी गाड़ी बंदा मार रहा है, सारी की सारी गाड़ियां वहां पर लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर यहाँ पर कोई रास्ता, यहाँ से चलते हैं जहाँ पर मुझे जानना है। देख लो सीधा रुक कर चलेंगे, क्योंकि यार मेन लैम्बोर्गिनी आगे निकल पुलिस से पड़ चुकी है। पहले मुझे अगर गाड़ी कैसी जगह है भाई, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जो सेलिब्रिटी है वो शायद यही स्टे कर रहा है। पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। ओके ओके यार, ये कोई अजीब सी जगह थोड़ा सा शो होता है। देख सकते हैं तो भाई कोई सारी गाड़ी आ रहा है, वैसे सारी की सारी गाड़ियां वहां पर लगी हुई है। तो खाली पड़ा अभी, चलते हैं अपना सीधा वहां पर। वो गन रखनी चाहिए अपने हाथ में, देख लो और सीधा भाग कर जाओ। और निकलेगा ना कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर मेरे पीछे पड़ी, मैं सीधा बता रहा हूं गाड़ी ढूंढनी भी है। तो यहां पर चलते हैं सबसे पहले मेरी एक यहां पर कोई भी नहीं बैठा। और इतनी अच्छी जगह है ना भाई, क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छी जगह है। ओके ओके, थोड़ा सा पूरा खाली पड़ा हुआ, शायद यहां पर आज रात को कोई शो होने वाला है। वैसे उसी चीज के लिए यहां पर सेलिब्रिटी आया हुआ, खाली पड़ा अभी, चलते हैं अपना सीधा वहां पर। कोई भी नहीं बैठा और इतनी अच्छी जगह यहाँ पर। तो भाई कितनी सस्ती सस्ती कार खड़ी हुई है। ओ भाई नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ, शायद यहाँ पर आज रात को कोई शो होना होगा। उसी चीज के लिए भाई सेलिब्रिटी से घूम रहा हूँ। व्हीकल यहाँ पर भी खड़ी है, बोला था कोई स्टाफ यहाँ पर। ये देखो ये शो का नेम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी हम फटाफट सबसे पहले चल कर अपनी कोई गाड़ी जो भी थी उसे ढूंढते हैं। ओ, शायद यहीं कहीं खड़ी होगी। ये खड़ी ओके, ये यहाँ पर तो भाई सस्ती सस्ती कार खड़ी हुई है। ओ भाई खतरनाक लुक है भाई, मेरे को लगा ये तो इन्फर्नस है यार, इसको चुरा लेते हैं। तो भाई साहब बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ व्हीकल, यहाँ पर बैठती चार स्टार की बोला था मेरे पीछे लग चुकी है, मेरे को यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। भाई वो लोग अभी आते होंगे,
और ये गाड़ी चल भी नहीं पा रही है भाई। मेरे से पार्किंग है यहाँ पर भाई, क्या गलत सीन है। पुलिस आना शुरू हो गई है अब यहाँ पर, उनको थोड़ा खतरा लग रहा है। ओ भाई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कैसे आ गई गाड़ी में बैठते चार स्टार भाई। अच्छा मुझे कुछ लग रहा है मुझे लाख गाड़ी निकालनी पड़ेगी भाई। उसकी गाड़ी भी आते हैं आगे से, कोई चुरा गाड़ी चल भी नहीं पा रही है भाई। भाई इतनी सिक्योरिटी होने के बाद मैंने गाड़ी निकाल लिया, बस सीन है भगा लेनी है। पुलिस आना शुरू हो गई है भाई अब यहाँ पर, उनको थोड़ा खतरा लग रहा है। कार भाई इतनी उड़ रही है भाई, मेरे से नहीं चल पा रही अभी तो। ये ओ भाई ओ अच्छा भाई, इसकी तो मैं लिमिटेड चिल्ला रहा था कार की, उसकी बस एक बारी में से यहां से फटाफट निकाल ले जा रहा है। ओ भाई गोलियां बहुत इतनी सिक्योरिटी होने के बाद मैंने गाड़ी निकाल लिया, पर छोड़ दो भाग लेते हैं वापस निकलने। ओ भाई यार ये कार कितनी पुलिस है भाई, मेरे से नहीं चल पा रही। मैं क्या भाई मैं गया सच्ची भाई, इसकी तो मैं लुक देख के ही हैरान हूं यार कार की। बस एक बारी में से यहां से फटाफट निकाल लूं। ओ भाई गोलियां बहुत बुरी तरह पड़ रही है मेरे को। अरे छोड़ दो भैया कहां ले जाऊं। ओ भाई इतनी पुलिस, ओ मैं गया भाई मैं गया, सच्ची बता रहा हूँ मैं मरने वाला हूँ कसम से। मेरे को बस यहाँ से निकाल लेने जाए ऐसे करके भाई। ये गाड़ी में ज़्यादा बुलेट प्रूफ भी नहीं है भाई, मेरे अंदर तक गोलियाँ पड़ी है पूरी भाई कसम से। मैं बस जैसे तैसे जिंदा हो रखा हूँ, बहुत गोलियाँ पड़ गई थी, चार गोलियाँ पड़ने के बाद मैं बचा हुआ हूँ। ओके तो मैं ये हाईवे का रास्ता बस उज्जवल भाई निकाल ले यार, हो जाएगा यहाँ से काम अपना। एक्चुअली मेरे को यार राइट वाले कट से नीचे करनी थी, बट मैं आगे वाले कट से राइट कर लूँगा। पहले बस मेरे को ना उसे जैसे तैसे करके से बस माइकल के घर तक पहुंचाना है, वहां से कोई ना कोई जुगाड़ देखेंगे पुलिस वाले उसे छुटकारा पाने का। भाई कार की स्पीड देखो 209 इतनी जल्दी। ओ भाई 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 भाई, अच्छा पुलिस वाले हैं ये लोग। ओ शिट मैन छोड़ दो यार, क्या कार है भाई ये, मिल गई ना मैं कसम से बता रहा हूँ, मजे आ जाएंगे। ओ शिट 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 भाई लुक देखो तुम कार की, पुलिस वाले तो भाई बैंड बजा रखी है मेरी कसम से बता रहा हूँ। ओ भाई शीशा भी जा चुका है आगे का, अगर बाय चांस मैं खतरनाक तरीके से ठुकता हूँ तो मैं सीधा गाड़ी के बाहर हो जाऊँगा। ओ भाई एक काम करता हूँ, पुलिस वालों को ना थोड़ा सा घुमाता हूँ गोल चक्कर। आओ भाई जाओ बेटा, तुम ज़्यादा ही तुम रेसर बन रहे हो ना भाई साहब, मैंने तो गाड़ी का नाम भी नहीं पढ़ा ढंग से, इतनी तेज पुलिस पीछे पड़ी है ना भाई। सीधा बस साउंड आया गाड़ी में बैठते पुलिस वालों का, सायरन की आवाज़ आई है। ओके भाई ये वाला हाईवे काफ़ी सही लग रहा है, इसमें शायद मेरे को पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी थोड़ी देर तक में। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और पुलिस वालों ने भाई हमें बहुत बुरी तरह घेर लिया। अब हम बचकर तो कहीं पर भी नहीं जा सकते, गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है, पंचर हो गया पीछे वाला टायर। फिलहाल अभी मैं सीधी लेने की पूरी कोशिश करता हूँ कार को यहाँ से, अगर मैं सीधे जाऊँगा तो शायद राइट में माइक मेरे को यार एक तो ना रास्ते भी नहीं याद है कि ओके सामने वाली बिल्डिंग शायद माइकल के घर के पास का ही कोई रास्ता है। चलो चलते हैं फ्रैंकलिन के घर में जाके छुप जाऊँ क्या, कहीं पता लगे पुलिस फ्रैंकलिन को अलग पकड़ ले। हाँ भाई तू ही चोरों का साथ दे रहा है। रुको मेरे पे ना एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, तो चलो अभी चलते हैं। गाड़ी को पहले रिपेयर करवा लिया जाए। रुको मैं एक बार ना रिपेयर की शॉप ढूंढता हूँ नियर बाय, तो नियर बाय रिपेयर शॉप ये वाली है, तो पहले यहाँ से ना गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं। तो जीटी सैन एंड्रियास में क्या होता था ना, कार को रिपेयर करवाओ तो सारी पुलिस हट जाती थी, तो इसमें देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं भाई, वरना यहाँ की पुलिस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे चकमा नहीं खाने वाली। क्या पता भाई साहब इस गाड़ी का ना पहले मैं नाम पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इस कार का नाम ही नहीं पढ़ा। अब भाई साहब बहुत सारी कार देखी है, हुरैकन देखी है, एवेंटेडोर देखी है, वैनॉन देखी है, अब ये कौन सी बात है भाई, इसे देखते हैं और इसकी पूरी पूरी लुक दिखाता हूँ भी आपको। तो इस कार का नाम है लैम्बोर्गिनी साइन FKP 37। तो भाई ये GT5 की सुपर कार्स में इसकी लिस्ट है इस गाड़ी की। और भाई साहब मेरे को ना बंदों का रिएक्शन देख रहे हैं, जब बंदों के आगे ले जाऊंगा ये गाड़ी तो उनकी कैसी एपिक रिएक्शंस होंगे भाई, मेरे को सबका पता है। अब यहाँ पर भाई का लुक है यार इस कार की, मतलब इसे मन कर रहा चलाओ मत, इसे देखते ही जाओ बस बैठ के। तो इसे लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर भाई फ्रैंकलिन के वजह से हमें एक KTM भी मिल गई, और यार हमें अपनी लेकिन KTM तो वहीं पर छोड़ आया पार्किंग में। चलो अभी KTM छोड़ो, नई बाइक भी खरीद लेंगे। अभी मैं आपको पूरी कार की ना लुक दिखाता हूँ कहीं पर चल के। एक तो साउंड मेरे को इसका बड़ा प्यारा लगा। ओके तो सामने एक पार्किंग है, तो चलो यहाँ पर इस पार्किंग के अंदर लेकर चलते हैं और इस कार का साउंड वगैरह इंटीरियर वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई लुक देखो तुम, सबसे पहले देखो नीचे की लाइट देखो भाई, लाइट देख के मजा आ जा रहा है। ये देखो ऊपर से लुक देखो, लाइट देखो, और ये जो पीछे का स्मोक है वो वाइट कलर का। ओ भाई पूरा फोग है। वैसे ही मेरे को वाइट कलर का इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरे कलर का करवाऊंगा, इसे ब्लू या फिर ग्रीन करवा दूंगा मैं इसे, बट वाइट भी ऐसा नहीं है, फोग ऐसा लग रहा है कि जम गई है कोई चीज़। ये वाला स्मोक मतलब स्मोक जो है उससे निकलता है यार बर्फ से। तो ये है सीन। और अंदर का इंटीरियर देखो आप,
अंदर का इंटीरियर जो है ये है। स्टेयरिंग आप देख लो कैसी है, लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है सामने, और सामने राइट में भी जो डैशबोर्ड है उस पर भी लैम्बोर्गिनी लिखा है। गेट काफी प्यारे लग रहे हैं, सीट देख लो राइट वाली कितनी प्यारी सीट है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। पूरी कुल मिलाकर भाई 100 में से 1000 नंबर है इस कार को। तो चलो यार फिलहाल अपनी गाड़ी जो अभी यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लेकर चलते हैं फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन अब पता नहीं कहाँ पर घूम रहा होगा, तो इससे बढ़िया ना मैं अकेले ही जाता हूँ कपड़े उपड़े की शॉप पर। तो चलो गाइस बस हमें आगे वाले कट से राइड लेना है और हम पहुँच जाएंगे। तो हमें अंदर